इधर देखो भाई, वो खुशहाली में बैठे आपको दिखाते चलिए भाई। अभी एक दिन हमारी शादी है आज, तो पता है इनको आज सर शादी में भेजिए, कल और आज दो दिन की। तो देखो चलिए देखो कैसे पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन एक प्रक्रिया दिखाते हैं आपको। बहुत दिन हो गए कि इनकी पढ़ाई की प्रक्रिया आपको दिखाए हुए, ठीक है। और ये वास्तविकता है, इसमें कोई झूठा नहीं है। ये कईयों को अगर शक हो तो आके देख सकता है, अभी अभी बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी बता देंगे। ये देखो भाई खतरनाक, ये एसी रूम है, एयर कूल एसी रूम है भाई। वाकई में बहुत हवा आ रही है ना, तो इसलिए इन्होंने मतलब स्कीम लगाई कि यहाँ पर अगर हम सो भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल की हवा आ रही है मुझे लग रहा है कि नींद ही आई है बस। अरे यहाँ तो गर्मी नहीं होती क्यों मेरे से है पूरे दिन, बहुत ठंडा है भाई, ऊपर पानी की टंकी है ना। देखिए ये तो आपको बता दें, ये तो इसको, ये तो वो है क्या बोलते हैं, अस्थाई लाइब्रेरी है, इन्होंने खुद ने बना रखी है। आपको ना अब दिखाते हैं आपको, देखो कौन क्या क्या कर रहा था। अभी अंदर की तरफ नहीं गया हूँ, इसलिए दो पानी फंस रखे हैं, पानी नहीं आ रहा अभी है ना। हाँ मोटर चलाए हो, चलाए हो अभी आया। अब बाकी प्राणियों को दिखाते हैं कि कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। पहले देख लो भाई हमारा कैंपस, जो नहीं देखा हुआ पूरा पूरा, ठीक है। कमांडो केडी कुचावन सिटी आ जाओ भाई। अभी देख लो दो दिन से क्लास ऑफ है, यानी आज और कल, नहीं कल से शुरू, अब नया बैच शुरू होने वाला है ना 10 तारीख से, इसलिए तो बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनको अभी कुछ नए बच्चे भी आए उनसे भी मिलवा देते हैं आपको। और बाकी सबसे आवाज़ सुन लो भाई, आओ बेटी। ये अभी अभी आए दस्ती, क्या नाम है? कुशल। कुशल सिसोदिया। कहाँ से है बेटा? दादरी नोएडा। दादरी नोएडा से है। अभी अभी किसकी तैयारी करके बेटा? आर्मी जी की सर। आर्मी जी की, ओके। ये प्राणी सर इधर, टी शर्ट वाला प्राणी, नया प्राणी है, कब आया था? एक सप्ताह पहले। अरे इसके एक सप्ताह के पुराना हो गया इसका, क्या पुराने की आपको खबर नहीं है? नींद आ गई आज, अभी पहले भी आके गया था तब तब लग रहा था। अच्छा हाँ, ये बच्चे कहाँ से है? बिया ये तो राणा में बिया, ये तो इसकी तो बोला बिया। बिहार में कहाँ से? शिवाजी जिला। किसकी तैयारी करेगा? नेवी एयर फोर्स की। हाँ ये बच्चे कहाँ से? मेरे कैसे जानते हो? लेकिन मैंने तेरे को आज पहली बार देखा, तेरे कहा था ठीक है ना, क्या मिलता है मेरे को भी तू बेटे? ये हो गया एक नया, कहाँ से बेटा? यूपी में बस्ती। हाँ देखो किसी वाले को नहीं, तेरे को लोग केंद्र वाले कैसे कर रहा हो, ऐसे ऐसे रहे ऐसे क्यों मुझे भी लेने। आज मैं पढ़ रहा हूँ गलती से, तो क्या पता घर वालों को विश्वास होता है कि मैं बेटा पढ़ रहा है। अब क्या तू किताब है सोच लू है? हम बलराम
ने मुझे मारा था दो दिन पहले तो बहुत खतरनाक लगी थी। दो तीन दिन पहले बोला मारा था, फिर मैंने एक अप्रोच लगाई थी। क्या क्या लगाई थी? कि मुझे कम से कम 10-15 दिन में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। यस सर। किसमें होने वाला सिलेक्शन बता? 41 फील्ड लाइब्रेरी लद्दाख। लद्दाख इसका सिलेक्शन होने वाला भाई। कितने परसेंट चांस है? 98%। यानी लगभग ऐसा है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा 5-10 मिनट के अंदर। तो बोला सर अब सिलेक्शन होने वाला है, 5-10 दिन तो जी लेने दो मुझे मेरी जिंदगी। बेटा जिस दिन हो जाएगा ना सिलेक्शन, यस सर, उस दिन के बाद तो अपनी जिंदगी जी लेना। बिल्कुल सर। लेकिन तब तक नहीं सर, से बहुत डर लगता है रियली बोल। फिर डंडे और डंडे खा के मेरे को बोला सर मेरे लड़के मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे उनके कौन से नहीं लग रहे? उनके भी तो लग रहे हैं। बचता कौन है यहाँ? कोई बच्चा क्या? ऐसा कोई लड़का है यहाँ पर जिसके अभी तक नहीं लगा डंडा? ओ और तो नहीं कोई? चलो ये कोई बात नहीं, नए बालक तो नए हैं, अभी तक तेल नहीं लगा डंडा। हाँ तो कहाँ से आए बेटे? 15 किसकी तैयारी करेंगे? एयरफोर्स। किसकी? पलवल हरियाणा से भाई। आ रहे जीते, क्या नाम है तेरा? अंकित। एक दर इन्होंने नॉन वेज लाइब्रेरी बना रखी है भाई। ये लड़का भी आया हर्षरा है। खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? ए रुक के, क्या नाम है? कहाँ से बैठते? बाड़मेर से। बाड़मेर में छोटा नहीं छोटा से आया भाई। ये क्या पहन रहा है? ये बहुत बड़ी चीज है। यो हनी सिंह बैठे बैठे। ओहो ओहो ओहो, हाँ इक्विटी कार्ड ले बेटा, मैं सच में देख रहा हूँ पढ़ रहा है। ये बिल्कुल शांत वातावरण है भाई लाइब्रेरी में, और आनंद ले रहे हैं पढ़ने का। और नरेश जी रामदेव जी के साथ में, रामदेव जी महाराज को लगा रखे हैं ऊपर। नरेश सही है, रामदेव जी महाराज कितने लगाई है? अच्छा बेटे मैं सोच रहा हूँ गलते कहाँ गलते, तुम लोग टेबलों पर लगा रखे हैं, मिली नहीं। अच्छा नए प्राणी कौन कौन है इधर? हाँ तो ये नया कब आया था? 27 तारीख अब क्या करना है यहाँ? कब आया था? 12 तारीख। अब ये कब आया था? सैटरडे को आया था। आज का डेट नागौर के पास में कौन सी जगह? कब आया था? एक ये हैंडराइटिंग तेरी है क्या? बहुत घातक हैंडराइटिंग। कौन है ये? कौन कोई योद्धा लग रहा है? पेन चला रहा है तलवार देखो। अरे ये पेन चला रहा है तलवार से सीधा न्यायाधीश को करका है। उच्चार नीचा न्यायाधीश इसका टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, कैसे न्याय करेगा? कहाँ से है बेटे? नागौर से। क्या नाम है? तो तेज बोल ले तो। कहाँ बेटे? ये कब आया है? एक तारीख को। तेज बोल। एक तारीख को। कहाँ से? बीकानेर। बीकानेर में पढ़ने लग गए वहा यार। इधर इधर हर बेटे कहाँ से है? उधर बोल, कैमरा मेरे पास दोनों उसके पास है यार।
बिहार में कहाँ से बैठे? समस्तीपुर जिले। समस्तीपुर में कब आया था? एक को आया था समस्तीपुर जिले से। कितना वजन है बेटे? हो जाएगा रनिंग। ओ हाँ, ये हमारे पास में बहुत ही महान योद्धा है, इसकी इसकी गारंटी है कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप ऐसी हैंडराइटिंग लिख तो ये हैंडराइटिंग बाद में हम वो उसमें करेंगे, म्यूजियम में रखते हैं ना, वहाँ रखेंगे इस कॉपी। अगले दिन ये भी नहीं पढ़ पाता, देखो। हाँ, इसको देखने के लिए टिकट लगाएंगे फिर हमें ना। अरे तो भाई डॉक्टर से भी भारी हैंडराइटिंग है, डॉक्टर वाले की थोड़ी बहुत पढ़ लेता आदमी, इसका कोई चार्ज नहीं है। तुल्य जी की हैंडराइटिंग है, देखिए ऐसी हैंडराइटिंग कभी तेरी जिंदगी में? साइंटिफिक हैंडराइटिंग है, साइंस वालों के समझ में आ सकती है, दूसरों के कटिंग वाले बाबा कटिंग बना ले, अभी पेपर दे जाएगा ना तब मारेगा, देखना तब देखना।